पिछली बार फिल्म सिटी में घूमते हुए मुझे टार्जन द वंडर कार मिल गई थी, तो मैं उसे अपने वर्कशॉप ले आया और 3 हफ्ते मेहनत करने के बाद मैंने टार्जन को बिल्कुल नई नवेली बना दिया था और ये गाड़ी अब खुद ब खुद चल सकती थी। अब देखा जाए तो पहले के मुकाबले मेरी जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो चुकी थी। मैंने टार्जन को रिस्टोर तो सिर्फ अपने शौक के लिए किया था, पर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में ये गाड़ी इतने काम में आ जाएंगी ये तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब जब भी मुझे कहीं जाना होता मैं बस गाड़ी के अंदर बैठता और टार्जन को बोलता, हे टार्जन दूध और बिस्कुट लेने चलते हैं। ये बोलते ही टार्जन का ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट हो जाता है और टार्जन मुझे अपने डेस्टिनेशन पे लेके निकल पड़ती। टार्जन के अंदर जो मैंने सेल्फ ड्राइविंग एआई टेक्नोलॉजी लगाई है उसकी वजह से मुझे स्टीयरिंग व्हील पे एक हफ्ते से हाथ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। बस मुझे इसके एआई को कमांड देना पड़ता और ये गाड़ी मुझे उसी मंजिल पे लेके चली जाती। शहर में कितना भी ज्यादा ट्रैफिक हो लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, क्योंकि टार्जन की टेक्नोलॉजी सारे के सारे ट्रैफिक को बड़े अच्छे से हैंडल करती है और कभी महसूस ही होने नहीं देती कि इसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई चला रही है। सबसे बढ़िया बात, अगर कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ लेता है तो मेरे साथ बस यही होता है। छोकरे चल लाइसेंस बता। सर मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, ये लाइसेंस किस बात का? मेरे माथे पे क्या सील का है? तू इस गाड़ी के अंदर से उतरा है तो इसका मतलब गाड़ी भी तू ही चला रहा होगा, चल लाइसेंस बता। ये सुनने के बाद मैं उन्हें समझाता हूँ कि मेरी गाड़ी खुद ब खुद चलती है, मैं इसे नहीं चला रहा था। ठीक है बेटा, अब जेल के डंडे भी देखो खुद ब खुद पड़ेंगे, चल मेरे साथ। अब इंस्पेक्टर साहब मुझ पे काफी गुस्सा हो गए थे तो मैं उन्हें दिखाई देता हूँ कि मेरी गाड़ी खुद ब खुद चलती है। मैं इंस्पेक्टर साहब के बाजू में आके खड़े हो जाता हूँ, टार्जन को बोलता हूँ, हे टार्जन जाओ जाके एक चक्कर लगा के आओ। इंस्पेक्टर साहब को यकीन नहीं हो रहा था लेकिन तुरंत उसके बाद मेरी टार्जन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे ऑटोमेटिक एक चक्कर मारने के लिए निकल पड़ती है। इंस्पेक्टर साहब के चेहरे पे तो 12 बज गए थे। ओह माय गॉड, मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद टार्जन एक पूरा चक्कर लगा के आती है और हमारे सामने आके खड़े हो जाती है। ये सब देख के इंस्पेक्टर साहब मेरी गाड़ी के पास आते हैं और बोलने लगते हैं, मान गए बच्चे तूने बहुत अच्छी कार बनाई। फिर मैं इंस्पेक्टर साहब से पूछता हूँ क्या मुझे अभी भी इस गाड़ी के लिए लाइसेंस की जरूरत है, तो फिर सुन के इंस्पेक्टर साहब बोलने लगते हैं, वैसे तो ऐसे गाड़ियों के लिए कोई कानून नहीं है पर किसी को ठोका तो नाम देर पे आएगा। अब इंस्पेक्टर साहब के कन्विंस होने के बाद मैं सीधा टार्जन के अंडर बैठा और टार्जन को लेके मैं निकल पड़ा सीधा पेट्रोल पंप की तरफ। अब टार्जन में अच्छी बातें तो बहुत थी लेकिन इसकी बुरी बात सिर्फ पेट्रोल पंप पे मालूम पड़ती है। इसकी एआई टेक्नोलॉजी फ्यूल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से इस गाड़ी का फ्यूल कंजप्शन बहुत बढ़ गया था। मुझे इसका एवरेज सिर्फ 5 और 6 का ही मिल रहा था और जब मैं इस गाड़ी में पेट्रोल भरवा ही रहा था तो इतने में मेरे चिरकुट दोस्त अपना फॉर्च्यूनर लेके आ जाता है। उसको देखते बराबर मैं समझ गया था कि ये आके यहाँ पे अच्छी बात तो कुछ नहीं करने वाला। और फिर वो मेरा चिरकुट दोस्त अपनी गाड़ी सुधरता है और मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, अरे मुझे पता नहीं था कि आजकल तू ये खिलौने वाली गाड़ी चला रहा है, तू शर्म नहीं आती, बच्चा है क्या तू? भाई ये खिलौना नहीं है, टार्जन द वंडर कार है जिसे मैंने रिस्टोर किया है। हाँ फिर भी ये एक खिलौना ही है ना, जरा ऐसा कलर देखो कितना घटिया है, ऐसा लग रहा है कि नील में से डुबा के इसको अभी निकाला गया है, प्लास्टिक की गाड़ी, बकवास बेकार। ये सारी बातें सुन के मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। और सुन ले मेरे सामने कभी मत आना, ऐसा ना हो कि मैं देखो कुचल दूं, समझ गया ना खिलौने की गाड़ी। और ये सारी बातें बोलने के बाद मेरा बच्चे खुद दोस्त अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और पेट्रोल पंप से निकल जाता है। चले तो गया था लेकिन उसने टार्जन के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला बोला था जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं टार्जन की तरफ मुड़ा और टार्जन के एआई से पूछा, हे टार्जन क्या हमें इस बंदे को कुछ सबक सिखाना चाहिए? एआई ने रिस्पॉन्ड करते हुए गाड़ी को बहुत जोर से रेव किया। और ये सुनने के बाद मैं समझ गया था कि चिरकुट दोस्त को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मैं तुरंत टार्जन के अंदर बैठ जाता हूँ, टार्जन को कमांड देता हूँ कि मेरे चिरकुट दोस्त की फॉर्च्यूनर का पीछा करो, और फिर हम निकल पड़ते हैं पेट्रोल पंप से और टार्जन मेरे चिरकुट दोस्त का पीछा करना शुरू कर देती है बिना उसकी नजर में आए। आधे घंटे तक हम उस चिरकुट को फॉलो करते रहते हैं और फिर मेरा चिरकुट दोस्त अपने फार्म हाउस में चले जाता है और अपनी फॉर्च्यूनर को वहीं पार्क कर देता है। हम भी वहाँ पे अब पहुँच गए थे, मेरा वो चिरकुट दोस्त तो फार्म हाउस में था लेकिन उसकी फॉर्च्यूनर बिल्कुल हमारे सामने थी और उसके आजू बाजू कोई भी नहीं था। और यही सही वक्त था उसे सबक सिखाने का। मैं टार्जन को रिवेंज का कमांड दे देता हूँ और उसके बाद अपना टार्जन आइकॉनिक स्टाइल में रेव करती है। इतना करने के बाद सीधा टार्जन जाने लगती है मेरे चिरकुट दोस्त के फॉर्च्यूनर की तरफ और वो फॉर्च्यूनर को धक्का देना शुरू कर देती है। टार्जन फॉर्च्यूनर को पुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन फॉर्च्यूनर भी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। मैं टार्जन को बोलता हूँ कि अपनी फुल पावर इस्तेमाल करो और वो ऐसा ही करती है, वो एक जोरदार धक्का मारती है जिसकी वजह से फॉर्च्यूनर सीधा नीचे नदी में जा गिरती है। इस चिरकुट की फॉर्च्यूनर पानी में तैर रही थी और अब मुझे लग रहा था कि भाई मैंने इसे सबक सिखा दिया है। और इससे पहले हमें कोई देख लेगा टार्जन फटाक से अपना यू टर्न मारती है और वहाँ से निकल पड़ती है। अब मेरा वो चिरकुट दोस्त मुझे हल्के में लेने से पहले बाहर सोचेगा, सबक तो मैंने उसे सिखा दिया था लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं टार्जन को घर चलने के लिए बोल देता हूँ, टार्जन आराम से मुझे अपने घर वापस ले आती है। टार्जन तो गैरेज में खुद से पार्क भी हो जाती थी। टार्जन पार्क होने के बाद मैं सीधा अपने घर में आ गया और भाई फटाक से बिना कुछ खाए पिए सीधा सोने के लिए चला गया क्योंकि यार मुझे बहुत नींद आ रही थी, अब मैंने बहुत सारा काम भी करना था कल। अब जब मेरी नींद लगने वाली थी अचानक से मुझे किचन से कुछ आवाजें आने लगी, मुझे लगा कोई कुत्ता या बिल्ली मेरे घर में घुसा है तो मैं चेक करने के लिए किचन की तरफ चल पड़ा। समझ में आ गया था कि वहाँ पे कोई ना कोई तो है, मैं उसे बोलता
बताओ कि भाई तू जो भी है बाहर आ जाए वरना तुझे बहुत मारूंगा। मेरे इतने बोलते ही वहाँ से एक आवाज आती है और दरवाजे के पीछे से निकल के आता है चल परा। और मुझे देख के वो बोलने लगता है, अरे बच्चे तुझे क्या हुआ, लगता है तू आज मुझे देख के खुश नहीं है। चल परे को देख के मैं उसे पूछता हूँ कि आप मेरे घर में यहाँ पे क्या करने आए हो, तो वो मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, अरे बच्चे लगता है तू अपना वादा भूल गया है। मैं चल परे से बोलता हूँ मैंने कौन सा वादा कर दिया तुमसे। अरे बच्चे लगता है तू सब भूल गया है, मैंने तुझे टाइम ट्रेवल करवाया था और उसके बदले मैंने तुझसे तेरा एक दिन मांगा था। पर मैं जल परे को बोलता हूँ कि मैंने ना कोई टाइम चेंज किया और ना ही मेरे पास मेरी हायाबूजा है, तो वो मुझसे बोलने लगता है, बच्चे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस तेरा एक दिन चाहिए जो कि मैं लेके रहूंगा, तू इसके लिए मना नहीं कर सकता। इतना बोलते मेरे आसपास पूरा मैजिकल स्मोक आ जाता है और जैसे ही मैजिकल स्मोक हटता है तो मैं देखता हूँ कि मुझे जल परे ने कोई दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने बोला था बच्चे मुझे तेरा एक दिन चाहिए, अभी तुझे मेरा सबसे बड़ा चैलेंज कम्प्लीट करना ही होगा, अगर तू ये चैलेंज कम्प्लीट कर देता है तो मैं तुझे बहुत सारा इनाम दूंगा। चल परे की बात सुन के मैं बोलता हूँ कि ये चैलेंज कर करके मैं थक चुका हूँ और मुझे अब एक और चैलेंज में हिस्सा नहीं लेना। तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर तू मेरी बात नहीं मानता है तो मैं तुझे यहाँ से उठा के खाई में फेंक दूंगा। जरा अपने नीचे देख। और फिर मुझे पता चलता है कि मैं कितने ज्यादा ऊपर हूँ, अगर मैं यहाँ से गिर जाता हूँ तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए मैं जलपरे को बोलता हूँ मैं चैलेंज कम्प्लीट कर लूंगा। जलपरा मेरी बात सुन के बहुत खुश होता है, पर मैं बोलता हूँ यहाँ पे तो कोई कार ही नहीं है, मैं चैलेंज कैसे कम्प्लीट करूंगा। ये सुन के यहाँ पे जलपरा जादू मंत्र बोलता है और उसके बाद मेरी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक जिसे मैंने रिस्टोर किया था वो वहाँ पे आ जाती है। जलपरा मुझे बोलता है कि तू अपनी इस गाड़ी से इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाला है। मुझे स्कॉर्पियो को दौड़ पे लगाने का कोई भी शौक नहीं था, पर मैं जलपरे की बात मान जाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी स्कॉर्पियो की तरफ निकल पड़ता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। और फिर स्टार्टिंग लाइन के पास जलपरा आके खड़ा हो जाता है और मुझे बोलने लगता है, बच्चे किसी भी कीमत पे चैलेंज कंप्लीट कर लेना, इस चैलेंज में तेरी गाड़ी को हो सकता है डैमेज आए, पर चैलेंज खत्म होने से पहले बस रिपेयर बोल देना, तेरी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, और किसी भी कीमत पे ट्रैक से गिरना मत, और चैलेंज शुरू। इतना बोलते ही चैलेंज शुरू रहता है, मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। मेरे पहले पड़ाव में मेरे रास्ते में काफी सारे फुटबॉल्स और बॉलिंग बॉल थे। स्टार्टिंग में मुझे चैलेंज काफी ज्यादा इजी लग रहा था, तो मैं इस सारे बॉल्स को आराम से डॉच कर लेता हूँ और अपनी गाड़ी को सक्सेसफुली उस जगह से निकलवा लेता हूँ। लेकिन पहला पड़ाव पार करने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई ये जो चैलेंज है उतना आसान नहीं जितना मैं सोच रहा हूँ। दूसरे पड़ाव में घूमते हुए शिकंजे थे और इनसे अगर मेरी गाड़ी टकरा जाती तो मुझे बहुत भारी नुकसान होता। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जिस बात का डर था वही होता है और मेरी गाड़ी पहली बार शिकंजे में आ जाती है। जैसी गाड़ी शिकंजे से टच हुई उसे बहुत जोर का डैमेज लगता है और गाड़ी पूरी तरीके से उछल जाती है। बड़ी मुश्किल से मेरी गाड़ी को मैं संभाल लेता हूँ और उसके बाद मैं आगे के रास्ते के लिए निकल पड़ता हूँ। अब रास्ते में ऐसे कई सारे ट्रैप्स थे, लेकिन इस बार मैं गलती से सीखता हूँ और उसके बाद मैं सारे ट्रैप्स को आसानी से पार कर लेता हूँ। लेकिन तीसरे पड़ाव के रास्ते में मुझे और भी ज्यादा ट्रैप्स और शिकंजे मिल जाते हैं। एक एक कदम पे सावधानी बरतते हुए मैं हर एक ट्रैप को पार कर लेता हूँ और अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, मैं बिल्कुल स्पीड में ट्रैप से बच जा रहा था। लेकिन तीसरे पड़ाव के एंड में कुछ ऐसा था जिसको देख के मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया था। यहाँ पे थी एक एक्सट्रीम रैंप जंप जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। ये जंप में मुझसे अगर एक भी गलती होती तो मैं हजारों फुट नीचे जमीन पे जा गिरता और भाई जिंदा बचने के तो कोई चांसेस नहीं थे। अब इस जंप को फुल स्पीड से परफॉर्म करने के लिए मैं अपनी गाड़ी को पीछे ले लेता हूँ। मैं जितना इस रैंप के पीछे जाऊंगा मुझे उतनी स्पीड में मौका मिलेगा यहाँ से जंप करने का। रोड के पूरे अंत तक स्कॉर्पियो को लाने के बाद मैं अपनी स्कॉर्पियो का फुल पावर इस्तेमाल करता हूँ और भाई मुझे किसी भी तरह इस जंप को कम्प्लीट करना ही था। और फिर मैं पूरी रफ्तार से अपने स्कॉर्पियो को एक्सेलरेटर दबा देता हूँ और अपने स्कॉर्पियो को जंप कराने के लिए निकल पड़ता हूँ। और 80 की स्पीड पर मैं लगभग स्कॉर्पियो को जंप करा देता हूँ। मेरी स्कॉर्पियो पूरी तरीके से हवा में थी और मैं पूरी तरीके से डरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बादल ही दिखाई दे रहे थे। और पूरे 8 सेकंड तक हवा में रहने के बाद आखिरकार मैंने इस रैंप को पार ही कर लिया। लैंडिंग करते बराबर स्कॉर्पियो अनबैलेंस हो गई थी और सामने एक पवन चक्की घूम रही थी, उसी जगह टकरा गई। पर मैंने जंप क्रॉस कर ली थी इसलिए मैं खुश था, तो मैंने पवन चक्की को पार करके आगे बढ़ने लगा। अब क्योंकि ये चौथा पड़ाव था तो ये एक डाउन हिल थी और यहाँ पे काफी ज्यादा पवन चक्किया घूम रहे थे। मैं ब्रेक मारते मारते अपनी स्कॉर्पियो को चलाया जा रहा था और अगर एक भी ब्लेड मेरी गाड़ी से टच होता तो मैं सीधा हजारों फुट नीचे जा गिरता। पर किस्मत से चौथे पड़ाव में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं सारे के सारे पवन चक्कियों को आराम से पार कर लेता हूँ। फाइनली डाउन हिल क्रॉस करने के बाद मैंने चौथा पड़ाव पार कर लिया था। लेकिन थोड़े से और फुटबॉल्स को पार करने के बाद मेरे साथ वही होता है जो मैं नहीं चाहता था। एक पवन चक्की का ब्लेड सीधा मेरे स्कॉर्पियो में लग जाता है जिसकी वजह से मेरी स्कॉर्पियो डैमेज हो जाती है। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार होता है जिसकी वजह से मेरी स्कॉर्पियो की हालत खस्ता हो चुकी थी। एक बार तो मेरी स्कॉर्पियो पलटते पलटती बची। मेरी स्कॉर्पियो की आधी से ज्यादा बॉडी डैमेज हो चुकी थी और उसकी जो व्हील्स पूरी तरीके से आड़े टेढ़े हो चुके थे। गाड़ियां पूरी तरीके से अनबैलेंस हो रही थी और ऐसी हालत में स्कॉर्पियो से मैं चैलेंज कम्प्लीट नहीं कर सकता था। तब मुझे याद आया कि जलपरे ने बोला था कि अगर तुम्हें गाड़ी को ठीक कराना है तो बस एक बार रिपेयर बोल देना, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। जैसे मैं रिपेयर वर्ड अपने मुंह से निकालता हूँ तो तुरंत मेरी गाड़ी फिर से रिपेयर हो जाती है और फिर मैं आगे का चैलेंज अपना कंटिन्यू कर
करना शुरू कर देता हूँ। कंटेनर के बॉक्सेस को पार करने के बाद मेरा पांचवा पड़ाव शुरू होता है जो कि एक बहुत भयंकर वाला लूप था। इस लूप को देखने के बाद मुझे बचपन की हॉट व्हील्स की याद आने लगी और मुझे लग रहा था कि भाई स्कॉर्पियो इसे कैसे कर पाएंगी और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन अब मुझे किसी भी तरह पार करना था तो मैंने फुल एक्सेलरेटर पे अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। पहले तो स्कॉर्पियो को चढ़ाई करने में बहुत मुश्किल हो रही थी लेकिन एक बार स्पीड पकड़ने के बाद ये बिल्कुल उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला कब स्कॉर्पियो ने लूप को बहुत ही बढ़िया तरीके से पार भी कर लिया। फिर लूप पार होने के बाद यहाँ पे आगे ऐसे कई सारे चैलेंजेस थे जैसे कि फिर से वो शिकंजे, एक और रैंप की जंप, कई सारे फुटबॉल, फिर और ढेर सारे शिकंजे और उनके साथ में भी फुटबॉल। लेकिन ये सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से पार कर लेता हूँ। कई बार तो मेरी गाड़ी के सामने फुटबॉल आ जाते हैं पर हर पड़ाव के एंड में डिफिकल्ट वाला चैलेंज था। जैसे पांचवे पड़ाव के एंड में ये भयंकर वाला लूप था जिसके अंदर से जंप मारना था। ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था क्योंकि इसे अगर पार नहीं किया तो सीधा इसके बीच में जाके फंस जाऊंगा। मैं अपनी सिर्फ स्कॉर्पियो पे भरोसा दिखा सकता था, बाकी कुछ नहीं। तो मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, फिर से फुल थ्रॉटल दे के मैं अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर देता हूँ। इस बार स्कॉर्पियो की रफ्तार में 70+ लेके चले जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं रैम से जंप लगा लेता हूँ और बड़े आराम से अपनी स्कॉर्पियो इस लूप को पार कर लेती है। पर गलत लैंडिंग की वजह से थोड़ा डैमेज गाड़ी के अंदर आ ही जाता है। अब छठे पड़ाव के सामने थोड़े से कंटेनर्स थे तो उनको फटाफट पार कर लेता हूँ। कंटेनर पार करने के बाद थोड़े और डेड ट्रैप से बचता हूँ और जब मुझे सारी चीजें आसान दिखाई दे रही थी तभी मैं एक बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ। मैं फिर से एक बार पवन चक्की के ब्लेड के अंदर आ जाता हूँ जिसकी वजह से मेरी स्कॉर्पियो पे बहुत ज्यादा डैमेज रहता है। लेकिन गाड़ी को उतना लॉस नहीं हुआ था तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मैं सातवें पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था जिसके अंदर बहुत बड़ी लूप जंप थी जिसे मैं आसानी से पार कर लेता हूँ और मैं लूप के अंदर एंटर हो जाता हूँ। लूप के अंदर गाड़ी चलाना मुझे काफी ज्यादा मुश्किल जा रहा था। गाड़ी कहाँ पे चल रही थी मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के गाड़ी की 100% स्पीड बनाए रख रहा था। गाड़ी बार बार लेफ्ट टू राइट ड्रिफ्ट हो रही थी लेकिन मैंने गाड़ी का कंट्रोल किसी तरह बनाए रखा और पूरे 15 सेकंड के बाद मैं इस लूप से फाइनली बाहर निकल गया। इस पूरे मेगा रैम चैलेंज में गाड़ी की बैंड बच गई थी लेकिन अभी भी गाड़ी चलने के लायक थी तो इसे मैंने सोचा कि अभी रिपेयर ना किया जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जाके मेरे लिए सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। इन सारी रुकावटों को पार करने के बाद मैं आखिरी पड़ाव में पहुंच गया था और ये पड़ाव में पहुंचते ही काउंटडाउन चालू हो जाता है। मैं समझ गया था कि ये काउंटडाउन के खत्म होने से पहले मुझे इस पड़ाव को पार करना है। मेरे स्कॉर्पियो के पीछे के टायर्स पूरी तरीके से जवाब दे चुके थे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ और अब सिर्फ थोड़ा ही समय बाकी रह गया था। डाउनहिल पे पहुंचने के बाद मैं अपनी स्कॉर्पियो को फुल एक्सेलरेट कर देता हूँ और आखिरकार मैंने बस कुछ लास्ट सेकंड पहले ही मैं इस फिनिश लाइन को पार कर लेता हूँ। मैंने ये जलपरे का अल्टीमेट मेगा रैम चैलेंज कंप्लीट कर लिया था और मैं फाइनली एक जंप मार के फिनिश लाइन के पास आके खड़े हो जाता हूँ। ये अभी तक का सबसे हार्ड जानलेवा ट्रैक था लेकिन मैंने इसे कंप्लीट कर लिया और जलपरा भी मुझे देख के काफी हैरान था। अरे बच्चे वाह, तूने तो चैलेंज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब फाइनली मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरता हूँ और उतरने के बाद मुझे दिखाई देता है कि स्कॉर्पियो पे काफी ज्यादा डैमेज आ गया था और पूरी की पूरी गाड़ी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जलपरा ने मुझे बोला था कि अगर मैं रिपेयर वर्ड बोलूंगा तो मेरी गाड़ी रिपेयर हो जाएंगी। तो मैं बोलता हूँ रिपेयर, ने कई बार रिपेयर बोला लेकिन गाड़ी पहले की जैसी मेरी रिपेयर नहीं हुई। तो मैं जलपरे से पूछता हूँ कि भाई ये क्या है, मेरी गाड़ी रिपेयर क्यों नहीं हो रही है। अरे बच्चे असल में लगता है तू मैंने जो बोला वो भूली गया है। मैंने कहा था तू चैलेंज के दौरान अपनी गाड़ी को कितनी बार भी रिपेयर कर सकता है और ये बात सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें अपनी गाड़ी को तभी रिपेयर कर लेना चाहिए था जब तुम्हारा चैलेंज चालू था। अब जबकि तुमने चैलेंज को पूरा कर लिया है ये गाड़ी जैसी है वैसी रहेगी। इस सारी बात सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया था और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता जलपरा फिर से अपना मैजिकल स्मोक ले आता है और मुझे अपने घर में रिपोर्ट कर देता है। मैं ऐसे ही सलामत अपने घर में वापस तो आ गया था लेकिन मेरी स्कॉर्पियो बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। इसे रिपेयर करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं थे और ना ही मेरे पास इसके लिए नए पार्ट्स थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैसा मैंने टार्जन के ऊपर खर्चा कर दिया था और अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। मैंने बड़ी मेहनत से स्कॉर्पियो को रिस्टोर किया था लेकिन इसका ऐसा हाल देख के मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा था। अब कोई ना कोई तो ऐसा जुगाड़ करना ही होगा जिसकी वजह से मेरी स्कॉर्पियो पहले की जैसी हो जाए। तो फिर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।